खमरबाट थाना क्षेत्र के सरकटी गांव से है, जहां एक ही टोला में आए दिन आगजनी का मामला सामने आते रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से संवाददाता अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। मतलब एक ही दिन यहाँ पर तीन घर वाला जो परिजन है जो कह रहे हैं कि तीनों घर में आग लगा दिया गया है, वो सही बात है? मतलब आप सब कहाँ थे जब आग लगा? अब रही घर बैठल लगा देते देखे गली। मतलब यहाँ पर मतलब आपका घर में भी लगाया गया है आग, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब कोई जान बूझ कर लगाया है आगे? मतलब प्रशासन और वो खबर किए थे कि हमारे घर में आग लग, कुछ नहीं किए थे पर आपका घर में आग लगा दिया? मतलब सरकार से आप क्या चाहते हैं? तो इसके बाद सरकार से कुछ चाहिए कपड़ा लाता है, टोटल कपड़ा जितना कुल जर गए ऊपर छत पर ले ली फिट फाट के, अब पते नहीं है कुल तो बिगा गली खत्म। आपसी विवाद भी किसी से क्या आप लोग को? नहीं ऐसा क्यों हो रहा कि आपकी जानकारी ऐसा क्यों हो रहा कि आए दिन यहाँ आगजनी का मामला सामने आ रहा है? नहीं पूछता, हो सकता है उसको अंदर से रहा है कि भाई उससे दुश्मनी है, बाहर में तो नहीं होता, अंदर में क्या है उसको? अंदर में है कहीं बाढ़ में तीन चार व्यक्ति के घर पे आगजनी का मामला आया है। हाँ भाई लगातार ही चलते आ रहा है और हम लोग को जितना क्षति हुआ है हमको चाहे सरकार सरकार से आपका क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि जो हमारा हम बीपीएल परिवार हैं, यानी सारे एक ही घर के परिवार से आग लग रहा है। तीन साल से ऐसा होता जा रहा है, तीन साल से आप सबको परेशानी में रह रहे हैं, आप कष्ट मतलब दिया जा रहा है, खलियान में लगता है कभी मेरे घर में लगता है कभी इधर पास पड़ोस में लगता है, मतलब आप सबको परेशान किया जा रहा है जी। ठीक है बोलिए, हम लोग परेशान परेशान हैं लेकिन चश्मदीदार देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उस पर हम FIR नहीं कर पाते हैं। दहशत के माहौल में और दहशत हम लोग को काफी बना रहता है कि कब क्या करेगा इसका कोई पता नहीं, और मतलब जो मतलब करता है उसका नाम भी पता नहीं आपको, किसी के दुश्मनी भी नहीं पता जी, पूरा दहशत में सब हम। यदि उसका एक सुराग हमें मिल जाए तो पुनः मैं चाहता हूँ कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सुराग केवल मिल जाए। मतलब प्रशासन से आप यही चाह रहे हैं, मतलब उसको खोजिए, मतलब जो हाँ। प्रशासन उसकी तलाश करे अपने स्तर से जी। ये घर आप ही का है? हाँ। मतलब कभी ये मतलब इसको जला दिया गया? 15 तारीख को सुबह में हुआ है। तो आप मतलब प्रशासन को मतलब कुछ खबर किए हैं? मेरे मोबाइल पर पैसा दे था, मेरा लड़का ने 8-10 बार रिंग किया लेकिन नहीं उठा सके, कहीं तो प्रशासन अभी तक नहीं आई आपके घर? हाँ नहीं, मतलब किसी पर शंकार किसी पर की? मतलब शंका बिना देखे क्या कहा जा सकता है, सुबह में 6 बजे जब जलाया हम तो घर, मतलब इसके मतलब इस एरिए में मतलब कितना घर को मतलब मतलब जलाया गया? मेरे घर में 2 बार लगा। 2 बार कब कब लगा था? इस बार कल लगा है सांझ को, अब एक कब लग ले नीचे वाला? मतलब आपको मतलब बराबर घर मतलब तंग किया जा रहा, मतलब इस एरिया में मतलब व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं जो आग लगा करके भाग रहा है और जला रहा है। किसी से दुश्मनी भी ख्याता है पहले से? मेरा किसी से कोई दुश्मनागत तो नहीं है। आपका नाम? विनोद राम। विनोद राम, थाना कौन सा पड़ता है आप लोग? बाढ़ थाना पड़ता है। बाढ़ थाना पड़ता है, इसमें मेरा बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। नुकसान क्या क्या हुआ सर? हम पैसा कर चुकाने के लिए जी 40,000 रुपया लाए थे पंजाब नेशनल बैंक से जी, हम अपनी पत्नी को दिया रखने के लिए, वो यहाँ थैला में टांग करके यहाँ सास पुतोह सो रही थी, यहाँ किवाड़ लगा हुआ और सिर्फ सब घर में किवाड़ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पैसे कहीं चलते आगजनी किया गया? क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि उसको हमने आग चश्मदीदार देखा नहीं। और कुछ हानि हुआ है क्या? हानि तो यहाँ कपड़ा बहुत सा था, वही कपड़ा। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? शासन से आपकी क्या मांगे है? बाढ़ थाना वाले हमने आवेदन नहीं किया है, आवेदन अब हम किस पर क्या कहें, किस पर आरोप लगाएं, हमको ये पता नहीं चल रहा है, यदि पता चल जाएगा तो हम तुरंत आवेदन कर लेंगे जी। इसकी हम फोटो कॉपी बना के रखे हैं।
तो सरकार तो अब सबको इंदिरा आवास भी दे रहा है और अभी आपका मेरा इंदिरा आवास बगल में बना हुआ है। जी जी धन्यवाद। लेकिन अभी उस रात में सर हम बैठे थे अपना घर में जी, जब हम बैठे हुए थे तो कोई आदमी आया फोन नहीं देखे और आग लगा के यहाँ पर धर था पवार, इसी में आग लगा दिया, उसके बाद छपरा धर लिया, उधर माल था बढ़ल भैंस था वो काला था। तो जाल माल का भी क्या नुकसान हुआ कुछ? जाल माल का तो नुकसान नहीं हुआ, खाली यही सब जला है। तो थाना में दिए हैं कुछ कम्प्लेन? फोन किया था ना जी, तो थाना वाले थे ना अभी तो नहीं आए, बोले कि आएंगे, आज आएंगे, आज आ जाएंगे, आज तो मतलब छुट्टी में, छुट्टी में है थाने वाले। मतलब था कौन थाना का? मतलब बार थाना, थाना प्रताप सबका, मतलब उसमें बात किए थे आप? हाँ, नाम क्या है आपका? सुरेश प्रताप। तो पहले भी आग लगा है 2020 में, आप ही के घर में लगा है 2020 में आग? जी, उधर खरानी में आग लगाया गया था। खरानी में तो जान माल का भी नुकसान हुआ? मतलब के क्या लगता है, मतलब दो आदमी का जला था, अमोद प्रसाद के और सुरेश प्रसाद के, 10-10 एकड़ का दोनों का क्षति हुआ है। क्या किसी पर शंका भी है क्या आपको? शंका भी देख लो तो बोल नहीं सकते किसी को, मतलब आपको तंग किया जा रहा है? हाँ, तंग किया, इसको अर्थ यही है। आपसी रंजिश भी क्या कुछ है इसमें लगता है? रंजिश तो नहीं है, अब हो सकता है किसका मन में क्या हो तो हम नहीं बोल सकते। भाई कब से हो रहा है आपको, मतलब परेशान किया जा रहा है? देखे भाई कहना क्या, 20 का ही है, मतलब 20 से आपको मतलब हमेशा परेशान किया जा रहा है? 20 से करके परेशान किया जा रहा है। और कौन बोल रहा था महिला? हाँ, क्या बोलिए।